नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बागेश्वर में टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने एआरटीओ कार्यालय में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने गाड़ियों की मासिक ईएमआई कम करने, विधानसभा चुनाव 2017 तथा कोविड-19 के लंबित बिलों का भुगतान शीघ्र करने की मांग की है। जल्द समस्याओं का निदान नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। टैक्सी यूनियन का कहना है कि कोविड काल में उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, लेकिन उनके बिलों का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। आपदा में हमारे टैक्सियां जो है अग्रिम पंक्ति पर खड़े होकर सरकार का साथ देती हैं, उसके बावजूद जो है सरकारों द्वारा हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। वर्षों से ये चला आ रहा है, अभी 20 साल हमारे प्रदेश में जो है टैक्सी के माध्यम से ही सरकार, आपदा है, चुनाव ड्यूटियां हैं, ये कई अन्य राज्य के काम आने वाली चीज़ें जो अग्रिम पंक्ति पर हम लोग खड़े होकर कार्य करते हैं, उसके बाद जो है आज पुलिस प्रशासन द्वारा हमारा उत्पीड़न होता है। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि इनको एक कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया जाए, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और इनको पूरी सवारियाँ भी नहीं मिल रही, इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा नहीं है। और साथ में इन लोगों ने धन्यवाद व्यक्त किया सरकार का कि इनका टैक्स माफ हुआ है और सरकार द्वारा 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है। ये प्रॉब्लम है और टैक्स किराए से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है इनकी। बेरीनाग में पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद करने से क्षेत्र के कांग्रेसी नेता भड़के हुए हैं। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष दीपक निवले के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं ने तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को नायब तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन भेजकर बेरीनाग पॉलिटेक्निक कॉलेज को बंद करने के आदेश को निरस्त करने और कॉलेज में अतिरिक्त रेट खोलने की मांग की गई। साथ ही ये भी कहा गया कि जबरन कॉलेज को बंद किया गया तो क्षेत्र जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। विधायक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरी सावत जी के अथक प्रयासों से यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की गई थी। वह इसलिए की गई थी कि गरीब बच्चे अपने घर से पढ़ सकें, लेकिन आज बड़े खेत का विषय है कि सरकार उसमें ट्रेड बनाने की बजाय उसको बंद कर रही है। अगर अति शीघ्र ये शासनादेश वापस नहीं लिया जाता है तो हम सड़कों में उतरने को बाध्य होंगे और एक जन आंदोलन चलाया जाएगा, तो उसमें वह जिम्मेदारी शासन प्रशासन। हमने पूर्व में भी इसके लिए आवाज उठाई थी, ज्ञापन भी दिया था और फिर भी ये होगी बहरी सरकार जिसके लिए जनता की आवाज इनके कानों तक नहीं पहुंच रही है। और जो ये कॉलेज यहाँ पर पॉलिटेक्निक है या आईटीआई है, ये क्षेत्र की गरीब जनता को देखते हुए पूर्व में हरीश रावत जी के समय पर और हमारे पूर्व विधायक नारायण जी के अथक प्रयासों से यहाँ पर बहुत ही मशक्कत के बाद ये कॉलेज खुले। पौड़ी में द्वारिखाल ब्लॉक के चेलुसरण में ब्लॉक प्रमुख के द्वारा जनसुनवाई की गई। प्रमुख महेंद्र राणा ने अधिकारियों को कहा कि गरीब व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से वंचित न रहने दिया जाए। उन्होंने स्थानीय लोगों के द्वारा मनरेगा योजना के तहत बने पानी के टैंक में पानी न आने की शिकायत पर बीडीओ को मामले की जाँच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि हर हाल में इलाके की गंभीर पेयजल समस्या के समाधान के प्रयास किए जाएंगे। आप लोगों ने हमें यहाँ आमंत्रित किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज हमने पहली बार कलोनी गांव सीला डाना में प्रथम पुरस्कार पाया है, ये हमें बहुत खुशी है। मैं प्रमुख जी को बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अब हम विकास की ओर से देखेंगे, जो हमारे लिए विकास करेगा हम उसी की ओर देखेंगे, जो हमसे विकास जो हमारे लिए विकास क्या करेगा हम उसकी तरफ। क्या महेंद्र राणा 2022 का चुनाव लड़ेंगे तो आप उनके साथ होंगे? यस सर, मैं जब भी जहाँ भी प्रमुख कल जी काल में प्रमुख रहा हूँ 10 साल, तो मैंने वहाँ हमेशा जो मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, उनका हमेशा सम्मान किया है। तो जब मैं आया तो मुझे यहाँ लगा कि भाई मेरी बहनों को, मेरी माताओं को सम्मान मिलना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले यहाँ फील्ड बनाया, यहाँ फील्ड की बड़ी दिक्कत थी तो फील्ड बनाया और फिर होली महोत्सव कराया 1 मार्च को। तो उनको होली महोत्सव में मैंने उनको सम्मानित किया और उनको आज गर्व महसूस हो रहा है कि पहली बार कोई हमारा भाई, कोई हमारे परिवार का सदस्य आया है जो हमको सम्मान दे रहा है और होली महोत्सव, होली मिलन कार्यक्रम कराया है। टिहरी डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कोटी कॉलोनी पहुंचकर पर्यटन गतिविधियों का जायजा लिया।
इसके साथ ही 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत करवाए जाने वाले कार्यों के लिए तीनों एडवेंचर एकेडमी, छात्रावास, इको हट्स, टेंट कॉलोनी इत्यादि के आसपास की भूमि का भी स्थलीय निरीक्षण किया। केंद्र वित्त पोषित एवं स्वदेश दर्शन के अंतर्गत करवाए जाने वाले कार्यों के साथ साथ निर्मित पथवे का भी निरीक्षण किया। पाथवे पर पसरे कूड़े करकट को देखते हुए और पशुओं के विचरण को देखते हुए जिलाधिकारी ने पाथवे की निरंतर साफ सफाई हेतु सफाई कर्मियों को निर्देश दिए। साथ ही पर्यटन विकास अधिकारी को टाटा की तरफ से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। टिहरी में चंबा नगर पालिका की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। चंबा उत्तरकाशी मोटर मार्ग पर पालिका के द्वारा दो पार्किंगों का निर्माण वर्ष 2016-17 में करवाया गया था, लेकिन आज तक पार्किंग को जाने के लिए अप्रोच रोड का निर्माण नहीं हो पाया, जिस कारण करीब 1.5 करोड़ की लागत की ये दोनों पार्किंग अभी भी आधी अधूरी हालत में है, जिनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। पालिका के अधिकारियों का कहना है कि बजट न होने की वजह से अप्रोच रोड का निर्माण नहीं हो पाया। उत्तरकाशी रोड पर है और वर्ष 2015-16-16-17 में जितना धन पालिका को उपलब्ध हुआ उसके हिसाब से वो बनाई गई होंगी। उसके बाद उसका अप्रोच और बिल्डिंग का निर्माण होना था, इसके लिए शासन में प्रपोजल भेजा गया है। जैसे ही धनावंटन होता है इसकी कार्रवाई की जाएगी और अभी शहरी विकास विभाग ऐसे प्रोजेक्ट जल्दी ही स्वीकृत करने की अपेक्षा रख रहा है जिसमें पालिका को आय होने की संभावना हो, तो हमें आशा है जल्दी ही इसके प्रोजेक्ट पास हो जाएंगे। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।